बड़ी मुश्किल से सोया है यार। इतनी कमजोरी है उसे कि इस हालत में कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। राशन शिरीन, अभी उससे इस बारे में बात नहीं करेंगे। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। राशिद मियां, छांव में गीली मिट्टी गीली रहती है हमेशा। अरे बर्तन बनाने के लिए भी उसे धूप बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब औलाद भी गीली मिट्टी की ही तरह है। अरे आप कब तक अपने लाड़ प्यार की छांव में आयान को रखेंगे? कभी तो सख्ती करनी चाहिए। अब जवान लड़के को बांध के भी तो नहीं रख सकता ना। जवान लड़के माँ बाप के बांधे बनते हैं क्या कभी? अरे उन्हें बांधने के लिए तो एक अलग डोर तलाश करनी पड़ती है। अरे एक बार अयान और हुमैरा का निकाह हो जाने दीजिए, फिर देखिए कैसे घर में बंद कर रहता है। मिस्टर खान ने ये ठीक नहीं किया। कब से कोशिश कर रही थी अबू तक पहुंचने की। मैं कहां से ढूंढूं इस आदमी को जिसने मुझे ये एड्रेस दिया। कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। अब अगर हिंद के नाम पे कुछ है तो ये टुकड़े, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। ये कौन सी जगह हो सकती है? मंगलपुर। हाँ सर, वहां दिलावर भाईजान की बेटी की शादी है। अम्मी आप मुझे वहां जाने के लिए कह रही? आपको पता है वहां क्या हो रहा है? क्या हुआ है सर? देखिए टीवी पर आ रहा होगा। इंदौर के पास मंगलपुर नाम के एक गांव में सामने आया समाज का एक डरावना चेहरा। वहां एक युगल प्रेमी लापता है। आशंका है कि उनकी हत्या कर दी गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बिरादरी से बाहर शादी की। देखो जब तुम दोनों बहुत छोटे थे तो दिलावर भाईजान ने बहुत मदद की थी, और आज जब उनकी बेटी की शादी है तो हम में से कोई नहीं जाएगा क्या? ठीक है मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। अल्लाह। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज़ भाईजान। मैं जा रही हूँ, मेरा एग्जाम है, मैं लेट हो रही हूँ। बाय। टमाटर जी, अपना एग्जाम अच्छी तरह से लिखना, वरना मंगलपुर के किसी आदमी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। व्हाट भाईजान प्लीज, मैं ना भोपाल में ही ठीक हूँ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। बेटी इलाका तो यही है पर घर का पता इसमें साफ नहीं है। One minute. ये फोटोग्राफ भी है मेरे पास। क्या ये फैमिली यही रहती है या कभी रहती थी? बेटी ऐसा है, खानदान यहाँ रहता तो था। ओके। लेकिन उनमें से कुछ लोग एक अरसा हो गया भोपाल चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ ज्यादा मालूम नहीं है बेटा। लेकिन हाँ ये उनका पुश्तैनी मकान है ना, तो उनमें से कभी कभार कोई आ जाता है खैरियत पूछने के लिए। अंकल आप एक काम कीजिए, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, जैसे ही इस फैमिली का कोई मेंबर यहाँ आए ना आप प्लीज मेरी बात करवाइएगा। बेहतर है बेटा, गाड़ी भी खराब हो गई और नेटवर्क भी नहीं है, काम फंसा दिया दिलावर मामू ने। भाई साहब सुनिए, मुझे मंगलपुर जाना था। एकदम सीधे जाना। हाँ जी वो तो मैं समझ गया था, लेकिन वहां जाने के लिए कोई बस मिलेगी इस वक्त? इस वक्त तो कुछ भी नहीं मिल सकता। छोड़ सकते हैं? हाँ हाँ, पीछे और भी लोग हैं, जगह मिले तो बैठ जाइए। ओके। मंगलपुर। मंगलपुर पीछे जगह देके बैठ जाइए। जिस जिस को हाईवे पे उतरना है उतर जाइए।